हेलो हाय जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी स्टूडेंट्स, पान मैथमेटिक्स समझना चुका समझी रहे हैं, कंटिन्यू है। तो आज जो को समझना से वो क्वेश्चन नंबर टू जो पार्ट नंबर फोर का समझना शुरू करना से, ठीक है। हाँ, फंक्शन एक मिल रहा है वाई इज इक्वल टू साइन फोर एक्स मल्टीप्लाई कॉस फाइव एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को मल्टीप्लाई करने का डेरिवेटिव कर लिया है डी बाई डी एक्स, ठीक है। तब वो समझनो आए सीखनो आए तब तो ला रेडी थी व्यो रेडी थी जो मतलब यो है कि क्रिएट जगह ते रिलैक्स थी करे व्यो कॉपी पेन पान सा गड खणी नियो रखो ए त जी कॉपी पेन ते छ नोट करना नु ए रिलैक्स थी करे व्यो फुली कंसंट्रेशन सा व्यो ए गौर सा समझो ए समझन जी कोशिश कयो त जी हर शय ता समझी सको, ठीक है। माइंड ता गर्ष समझ में जे ए समझी सको रिलैक्स थी करे नहीं कर चाहो तो कंसंट्रेशन नहीं कर चाहो तो कंसंट्रेशन सा गौर से लेकर समझो तो समझ में, ठीक है। कोई शायद ना जगह समझ ना चाहिए कोशिश करनी है अच्छा तो समझूंगा हाँ की करना है। एंड सो प्रोजेक्ट नाम लिख चाहो पर मैं मल्टीप्लाई करता डेरिवेटिव करनी है y = sin 4x मल्टीप्लाई बाय cos 5x मिलेगा। एंड डेरिवेटिव करने का सो प्रोजेक्ट नाम लिख के मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो पर किताब जे आंसर जे मुताबिक सॉल्व हो जो किताब जे को आंसर खपे तो जे मुताबिक पान के सॉल्व करना तब जे मुताबिक सॉल्व करना तो आंसर आ गया cos 5x के पहले लिखा दो एंड sin 4x के बाद में लिखो तो फर्क है। अन्य साथ जे के 2 मल्टीप्लाई 3 सा के आंसर तो 2 3 6 या 3 के जे के 2 सा के तभी भी 3 2 6 गलत सही है मल्टीप्लिकेशन तब माने sin 4x cos 5x के cos के पहले sin के बाद में लिखो फर्क कोई करबा सही गल है सही है। तब वो लिखने के रीजन छा इन छो में लिखियो इन जे कर लिखो है त हन ही बटन जे के मल्टी ना थन पिया इन जे हिसाब सा cos अल्फा इनटू sin बीटा ये दान फार्मूला जे मुजन को जे फर्स्ट ईयर में पढ़े हो दो बराबर होगा 1/2 sin अल्फा प्लस बीटा माइनस जो sin अल्फा माइनस बीटा ही फार्मूला पाने दे यूज करा इन फॉर्मूला के मुताबिक सॉल्व करो, ठीक है। जो किताब में जो आंसर है उन्हें जी मुताबिक है तय जी करें फॉर्मूला यूज करना से पहले फॉर्मूला यूज करना से एंड देन डेरिवेटिव करो, ठीक है। देखो इन फॉर्मूला के मुताबिक देखने कहूंगा द y = 1/2 cos अल्फा माने अल्फा की जगह वैल्यू आया हुआ है 5x sin बीटा माने बीटा की जगह वैल्यू sin की एंगल है वो बीटा है सही है अजय भी दास में सो 1/2 एंड sin अल्फा प्लस बीटा अल्फा मींस कॉस की एंगल द कॉस की एंगल है 5x प्लस बीटा बीटा माने साइन की एंगल है 4x ठीक तब लिखियो माने कंपो माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा मींस 5x माइनस 4x इन साइन को यू ट्रम है इधर साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा तेरे ग्रह एंगल हुआ है आई गल समझ में क्लियर है ठीक जस्ट फॉर्मूला यूज करो एंड सो वाई equal to 1 divided by 2 sin 5x plus 4x center mein very good same hai to 4 mein 5 plus na so 9x minus jo sin 5x mein 4x jo 5 aur 4 mein baki bachcho 1 maine simply x bachcho break it over I ka samajh gaya hai clear hai chaako just formula use kiya hai jo kuch bhi na thiyo hane derivative karna se hane paan डेरिवेटिव करना सेम फंक्शन जी सो लिखा तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स के हिसाब से ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। इन साइड का डेरिवेटिव कभी सो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई जी 1/2 डी अपॉन डी एक्स 1/2 सारे जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट बाहर पे हुआ है डेरिवेटिव करना से ब्रैकेट में sin 9x माइनस जो sin x ब्रैकेट जस्ट ये पॉइंट इज बोथ ऑन लिख दिया एंड ये वाला पॉइंट कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट के बाहर लिख हुआ है आई गॉट समझ में ठीक एंड सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 और डेरिवेटिव के इस जो ब्रैकेट की ब्रैकेट अंदर बच रहा है तो बिना जी डेरिवेटिव पान अलग अलग करना से सो डी अपॉन डी एक्स साइन 9x माइनस जो टर्म आए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स ठीक ब्रेक इट और आई गॉट समथिंग छा कयो ब्रेक इट ला जितना भी टर्म है हर के टर्म जी
डेरिवेटिव अलग अलग परफॉर्म करता से माना के टर्म समूह अलग अलग लिखियो ठीक हाँ दिसो सिंपलीफाई कर लेना के साथ में का dy / dx m आ है इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 से ट्रिग्नोमेट्रिक साइन आए साइन की डेरिवेटिव चाहिए cos तो साइन की डेरिवेटिव cos 9x ठीक और साइन की डेरिवेटिव और साइन के एंगल g पर डेरिवेटिव का भी चलो d / dx साइन के एंगल आए 9x 9x डेरिवेटिव का भी ठीक पोलिसन माइनस साइन माइनस साइन साइन की डेरिवेटिव साइन डेरिवेटिव आगे cos x ठीक साइन डेरिवेटिव और को साइन की एंगल g डेरिवेटिव का भी एंगल तो छाए सिर्फ x आए तो माने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन x की ब्रैकेट ओवर क्लियर है अजय ने का समझ तब माना ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की डेरिवेटिव करण का को ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो है उनकी एंगल जी पर डेरिवेटिव करनी पड़ंदी अगर स्टेप ध्यान रखना है ये सो इतने एंगल को sin जी डेल sin थी अब sin जी एंगल 9x है तो 9x ही कभी है तो डायरेक्ट sin जी डेल थी sin जी एंगल को x है तो x ही डेल कभी ठीक है एंड सो 1 डिवाइडेड बाय 2 cos 9x into 9 ऑफिशियल आए x डेल विद रिस्पेक्ट टू x का क्लास हुआ था निवान से मल्टीप्लाई बाय 1 लिखो ठीक माइनस cos x मल्टीप्लाई बाय x डेल विद रिस्पेक्ट टू x का भी 1 लिखो ब्रैकेट में जो टर्म आए क्लियर है ठीक जस्ट डायरेक्ट परफॉर्म थी एंड सो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 9 1 जा 9 ये 9 क्या था गलती से एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे दे रहे हो नो एंगल को ट्री जस्ट लाइक कोफिशिएंट ही कोफिशिएंट आए 9 1 9 9 अगेन जीरो cos 9x माइनस cos मल्टीप्लाई बाय 1 सा को सा को cos x ब्रैकेट ओवर द ही पार्ट आ है dy / dx मान जो फंक्शन गिवन हुयो और g डेरिवेटिव क्लियर आए आई गॉट समझ में ठीक है जब बुक में आंसर लिखा है किताब में आंसर मुताबिक ही और तो जी डायरेक्ट फंक्शन मिला है डायरेक्ट का डेरिवेटिव कर सकता है जी बर्ग का मल्टीप्लाई करता u मल्टीप्लाई v जो फार्मूला यूज करा था पर कौन सा करवा है पहले हम केस दो करें फार्मूला यूज करवा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आए था सब जो दो पढ़े हुए दो फर्स्ट ईयर में तो फार्मूला जो तो एक पहले पढ़ लिखो ये भाई प्रोडक्ट को या जी या समेशन फॉर्मेट में तो जब एक फार्मूला यूज करना था वो वाली कौन जी डेरिवेटिव का ये जगह आ जाए सामने आए ठीक है सो जी स्टूडेंट्स हाने पान नेक्स्ट पार्ट समझो ना संग ठीक है नेक्स्ट पार्ट जो है वो फिफ्थ नंबर है y = sin² x / sin³ x सेम एज जो है फोर्थ पार्ट समझो ना मगर बट ट्रिग्नोमेट्रिक समझे थे भी मल्टीप्लाई में आए छादा क्यों दिसंग एंड सो बट ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई में डायरेक्ट डायरेक्ट कर सको ना माने मल्टीप्लाई में द u मल्टीप्लाई v फार्मूला यूज करो पर छादा क्यों दिसो पहले सिंपलीफाई करना सी देन डेरिवेटिव परफॉर्म करना सी y = sin स्क्वायर x * cos क्यूब x ठीक है लिखो सर हां लिखो इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब sin के मतलब स्क्वायर नो पर cos क्यूब आए तो sin का लिखा दो पान ऑर्डर sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x = 1 की ट्रिग्नोमेट्री में ताकि फार्मूला जैन उदो पड़े उदो आई साइन में तहन फार्मूला मां sin स्क्वायर x जी वैल्यू के ने मालूम करो तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को प्लस के को बराबर जो इनसाइड तो मोकला से ही होनी थी दो माइनस जो सही है आई गॉट समझ गया फार्मूला ड्राइव कर जो कहो चाहे कहते हैं जो पार्ट ये क्वेश्चन मिल रहा है इनमें sin स्क्वायर x की जगह पे 1 - cos स्क्वायर x लिखबो अजीओ आई cos क्यूब x से अगर मल्टीप्लाई करो सेम है ठीक क्लियर आए सही एंड y इक्वल टू cos क्यूब x ब्रैकेट अंदर मर्टर में बने सा मल्टीप्लाई करो cos क्यूब x * 1 सब लो सब cos पावर 3x माइनस cos पावर 3x मल्टीप्लाई cos पावर 2x तो cos पावर 5x की लो लो बेस है मतलब पावर पाने प्लस का बात की है प्लस क्लियर है इस तरह का समझ में ठीक एंड सो मल्टीप्लाई में हुआ भाई चम पांडिपी ट्रम के फार्मूला जो तो आप रिप्लेस क्यों हैं भाई अच्छी है मार्ड में समेशन फॉर्म में माने पार्ट माइनस सिंपल समेशन फॉर्म क्लियर है इस पे ठीक है हाँ ने डेरिवेट करना आसान है
So differentiate with respect to variable x is सबसे क्लास है on both sides vk b slash s both side है ठीक है डेरिवेटिव का भी चलो डेरिवेटिव लिखो तो अपॉन मेरी साइड था d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन dx cos क्यूब x माइनस cos पावर 5x जस्ट टर्म लिखिया डेरिवेटिव लिखिए क्लियर है सो मैं स्टेप डेरिवेटिव लिखिए अंडरस्टूड dy by dx equal to ब्रेकिंग नंबर टर्म है तब बिने जी डेरिवेटिव पान अलग अलग परफॉर्म करना से तब इसको बिने सां अलग अलग डेरिवेटिव काम लिखा पे हो लिखियो क्लियर है ठीक हाँ ने डेरिवेटिव कभी तो d upon y by dx equal to हाँ ने कॉस जो मतलब पावर है तब डेरिवेटिव रूल चाहे पहले पावर क्या खानी चो चलो थ्री आया गया एंड को पावर जो कौन माइनस माइनस कराए हो ठीक है माइनस चो और देखा को पावर जे मथा है उन जी डेरिवेटिव कभी पावर cos x जी डेरिवेटिव अच्छे बिन का समझ में गौर से समझो समझने की कोशिश करो समझ में दो छाप लो एंड सो है ना हमारा सब सागो ही प्रोसेस cos जे मथा पावर है सागो प्रोसेस सागो को पावर है यहां दो ओ पावर मां 1 माइनस कबो और देखा को पावर जे जे मथा है उन जी पर डेरिवेटिव कभी माने पावर cos x जी डेरिवेटिव अच्छे बिन का समझ में सही है एंड सो 3 cos की मतलब पावर 3 मां भाग में भाग में 2 मल्टीप्लाई cos की डेरिवेटिव चाल दिया है cos की डेरिवेटिव sin x ही है पर माइनस sin x ही है ठीक cos की डेरिवेटिव तब पहले cos से एंगल की डेरिवेटिव करना से ठीक है एनी हाउ परफॉर्म करनी है एंगल चाहे कुछ भी हो डेरिवेटिव करनी पड़ती एंगल है x x डेरिवेटिव अच्छा तो पहले पावर क्या आयो को पावर माइनस जो को पावर जे जे बतायो जी डेरिवेटिव ओ ट्रिग्नोमेट्रिक जी डेरिवेटिव था को ट्रिग्नोमेट्रिक जी एंगल जी पे डेरिवेटिव ठीक है सिंपल है जस्ट स्टेप्स का ध्यान रखना है क्लियर है अजय भी गल समझ में कोई डिफिकल्ट नहीं है सिंपल जस्ट गौर से समझो ठीक है अजय वहां करते परफॉर्म करना माइनस 5 cos पावर 5 में मान लो बाकी बचे 4x को cos की डेरिवेटिव माइनस sin x ठीक cos डेरिवेटिव माइनस sin x अब cos एंगल जी पे डेरिवेटिव कभी सो d / dx cos की एंगल आ है x क्लियर है सब एज इट नॉट अ परफॉर्म टू आई कोई डिफिकल्ट ना है गो सब समझो अच्छा देखो cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स ऑफ ये टर्म नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा ले भी माइनस जी आ गया 3 cos स्क्वायर x * sin x मल्टीप्लाई x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मान 1 माइनस ही माइनस मल्टीप्लाई में टर्म आए माइनस टू माइनस प्लस 0 5 cos पावर 4x * sin x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मान 1 थी क्लियर है ठीक अंडरस्टूड हने 1 के कैसा मैं मल्टीप्लाई कर दो आंसर वो ही दो जो मैं साथ देखो मल्टीप्लाई तो मैं सब को टर्म्स ऐड कर दो 3 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय sin x प्लस ये जो सारी का है सभी टर्म्स 1 मल्टीप्लाई देखो टर्म्स ऐड कर दो 5 cos पावर 4x मल्टीप्लाई बाय sin x आई का समझ में 1 जो को मल्टीप्लाई छो पे 1 मल्टीप्लाई करने सा नंबर दे कोई फर्क कौन पे सगा लिखे ठीक है हां देखो पहले टर्म नेगेटिव आए एंड दो टर्म पॉजिटिव है रीअरेंज करना से पॉजिटिव हमेशा पहले लिखो नेगेटिव के बाद में लिखो सही है देखो dy / dx इक्वल टू पॉजिटिव टर्म ही आए 5 cos पावर 4x * sin x पॉजिटिव टर्म के पहले लिखो नेगेटिव टर्म के बाद में तो लिखा -3 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय sin x ठीक है आई गॉट समझ में क्लियर है तही की पॉइंट गिवन फंक्शन जी डेरिवेटिव जो आंसर ओके ठीक है स्टूडेंट्स कोई डिफिकल्टी न छंड हो जी सिंपल हो जस्ट की सम से पहले सिंपलीफाई करो एंड देन डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगा तुम्हारे सामने सो उम्मीद किया दो जरूर समझ में आया होगा समझ में आया हुआ है तो वीडियो के फॉर्म में ताजे लेक्चर है एक दफा ना हजार दफा दिसो जेका शे समझ न थी जे दिसो पर कंसंट्रेशन से गौर से दिसो ठीक है तपो इन YouTube चैनल के सब्सक्राइब जरूर कयो आंसर कडो कर शेयर कयो कमेंट कयो
एंड बेल आइकन के जरूर प्रेस कर तो जी हर वीडियो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले वो वीडियो दिसी सको प्रॉब्लम जी प्रैक्टिस कर सको सीखी सको कंप्लीट कर सको ऑन द टाइम. ओके स्टूडेंट्स, सो अल्लाह हाफिज़.